देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। जहाँ एक और योगी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, वहीं भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सहारनपुर नगर निगम में नगर निगम कर्मचारियों ने गैराज अधिकारी पर भ्रष्ट अधिकारी होने का आरोप लगाते हुए आज नगर निगम भाजपा मेयर के ऑफिस पर धरने पर बैठ गए और गाड़ी गैराज अधिकारी के नाम पर मुर्दाबाद और भ्रष्टाचार के नारे लगाने लगे। आपको बता दें कि आज नगर निगम में कूड़ा गाड़ी के ड्राइवरों ने मेयर ऑफिस के मुख्य द्वार पर धरना दिया और गाड़ी गैराज श्याम बिहारी अधिकारी पर 2 माह का वेतन न देने और ड्राइवरों को हटा देने पर सभी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के यूनियन लीडर राजकुमार ने बताया कि श्याम बिहारी ने कर्मचारी का 2 माह का वेतन नहीं दिया और सभी कर्मचारियों को हटा दिया, जिसके कारण उनके बच्चे भूखे मरने की कागार पर आ गए हैं। भ्रष्ट अधिकारी ने नगर निगम की कुछ गाड़ियां भी नीलाम की हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहा है। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारे कर्मचारियों का पैसा वापस नहीं मिला और भ्रष्ट अधिकारी को यहां से नहीं हटाया गया तो नगर निगम में आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। धरना इसलिए दिया गया है कि हमारे यहाँ एक भ्रष्ट अधिकारी गैराज प्रभारी श्री श्याम बिहारी अग्रहरी गैराज पर विराजमान है। उन्होंने पूर्व में भी कुछ वाहन मंगाए थे जो जनता कड़ी मेहनत का पैसा है उनको बर्बाद कर रहा है। 19 दिसंबर 2018 में 20 वाहन मंगाए शहर की सफाई के लिए, 3 कंप्यूटर मंगाए, परंतु उसने 2 माह लेबर लगाकर जिसमें मेयर साहब महोदय और हमारे नगराज महोदय ने उनका उद्घाटन किया। उद्घाटन में 20 ड्राइवर लगाए गए जिनका ठेकेदार को आपूर्ति आदेश दिए, ठेकेदार ने आपूर्ति दी, उन ड्राइवरों को चलाया गया और उनको चलाने के बाद 2 माह का वेतन नहीं दिया गया। फिर उनको 16/2/2018 में हटा दिया गए और उनको ना वेतन दे रहा है और गाड़ियां खड़ी है, आज उनको भी दंग लग जाएगा। तो ऐसे अधिकारी को हम यहां नहीं जाने देंगे और हम चाहते हैं किसे यहाँ चार मिलना चाहिए। अगर इसको कहीं चार्ज दिया गया तो हम उसके लिए और आगे कदम बढ़ाएंगे, आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। चाहे मेरी इसमें जान क्यों ना चली जाए, चाहे मुझे आत्मदाह क्यों ना करना पड़े, मैं अपने कर्मचारियों के लिए लड़ता हूँ। सारी उम्र गुजार दी है मैंने और मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से संवाददाता जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।